क्या आप एक ऐसी महिला के बारे में जानते हैं जिसकी नाक उसके चेहरे पर नहीं बल्कि उसके हाथ पर है? और क्या आप जानते हैं कि जब कंघे का आविष्कार नहीं हुआ था तो उससे पहले लोग अपने बाल किससे सुलझाते थे? और एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां पर इंसान नहीं बल्कि बंदर करते हैं वेटर का काम, और अखबार में नीचे की तरफ ये चार बिंदु क्यों बने होते हैं, आखिर इनका काम क्या होता है? यकीनन आपने इससे पहले इतने इंटरेस्टिंग और मजेदार फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर वन, अब तक आपने जितने भी सेब देखे होंगे उनका कलर रेड होता है, लेकिन आज आप जिस एप्पल को देखने वाले हैं उसका कलर रेड नहीं बल्कि ब्लैक है। जी हाँ, इस एप्पल को मार्केट में ब्लैक डायमंड एप्पल भी कहा जाता है क्योंकि ये काफी रेयर होते हैं। ब्लैक एप्पल तिब्बत और भूटान की ऊंची पहाड़ियों पर पाए जाते हैं जहाँ इनको हुआ न्यू के नाम से जाना जाता है। हालांकि अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी ये एप्पल्स पाए जाते हैं जहां इनको अरकानसास सेब कहा जाता है। इन एप्पल्स का कलर ब्लैक इसलिए हो जाता है क्योंकि आम सेबों के मुकाबले इन सेबों पर सूर्य की रोशनी काफी करीब से पड़ती है, क्योंकि इनको ऊंची पहाड़ियों पर उगाया जाता है और इसीलिए इनकी ऊपरी स्किन गहरी बैंगनी और ब्लैक पड़ जाती है। मार्केट में इन ब्लैक एप्पल्स की डिमांड बहुत ज्यादा है क्योंकि जहां आम सेब 4 से 5 साल में तैयार हो जाते हैं, पर इनको तैयार होने में लगभग 5 से 8 साल का समय लगता है और इसलिए इनकी कीमत भी 500 से लेकर 1600 रुपए किलो तक होती है। फैक्ट नंबर टू, दोस्तों ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए हमेशा कुछ नया और अनोखा करने को सोचते हैं ताकि उनका प्रोडक्ट दुनिया भर में जाना जाए और उसकी अच्छी सेल हो पाए, और इसीलिए हेनेकेन नाम की एक बियर कंपनी ने अपनी बियर को प्रमोट करने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया जो वाकई बहुत अनोखा है। इस कंपनी ने अपनी बियर को प्रमोट करने के लिए सबसे पहले एक शूज कंपनी के साथ मिलकर कुछ जूते बनाए और फिर उन जूतों की सोल में अपनी ही कंपनी की बियर भर दी। इतना ही नहीं, इस कंपनी ने अपनी बियर की बोतल जैसी ही उन शूज की डिजाइन रखी और कलर भी बियर बोतल की तरह सफेद और हरा रखा। मजे की बात यह है कि आप इन जूतों में भरी बियर को पी भी सकते हैं क्योंकि इनको खोलने के लिए आपको साथ में एक ओपनर भी मिलता है, उसे खोलकर आप इस बियर को आसानी से पी सकते हैं। इस तरीके के शूज अब तक केवल 32 जोड़ी ही बनाए गए हैं। इस कंपनी का ये मार्केटिंग आइडिया बहुत सफल रहा। इंटरनेट पर इन जूतों की तस्वीरें बहुत वायरल हुई और इस कंपनी का भी खूब प्रमोशन हुआ। फैक्ट नंबर थ्री, क्या आप एक ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में जानते हैं जहां पर इंसान नहीं बल्कि बंदर खाना परोसते हैं? जी हाँ, ये अनोखा रेस्टोरेंट जापान में है जिसका नाम काया बुकाई टेवर्न है। ये रेस्टोरेंट दुनिया भर में बहुत ही ज्यादा फेमस है और इसकी वजह है यहाँ पर काम करने वाले वेटर। असल में यहाँ जो वेटर काम करते हैं वो इंसान नहीं बल्कि बंदर हैं, और यही बंदर यहाँ पर आए लोगों को खाना सर्व करते हैं और इसी वजह से ये होटल बहुत ही ज्यादा फेमस है। अब ऐसे में आपने ये जरूर सोचा होगा कि क्या इन बंदरों को सैलरी भी दी जाती है, और अगर दी जाती है तो इन बंदरों को पैसों का क्या काम है? तो आपको बता दें कि इनको सैलरी के तौर पर पैसे नहीं दिए जाते बल्कि इनको केले और फ्रूट दिए जाते हैं और यही इनकी सैलरी भी होती है। फैक्ट नंबर फोर, दोस्तों स्कूल में आपने ये तो जरूर पढ़ा होगा कि पौधों में भी जान होती है। पौधे भी इंसानों की तरह महसूस कर सकते हैं और उनकी बातों को सुन सकते हैं, पर ये केवल ऐसे ही नहीं कहा जाता बल्कि इसका एक जीता जागता उदाहरण भी है, क्योंकि इस दुनिया में एक ऐसा भी पौधा एग्जिस्ट करता है जिसको अगर उखाड़ा जाए तो उसके अंदर से रोने की आवाज आती है। जी हाँ, इस पौधे का नाम मैंड्रैक है और इसकी खास बात यह है कि अगर आप इसको उखाड़ेंगे तो इसके अंदर से आपको रोने की आवाज सुनाई देगी, वो भी बिल्कुल इंसानों की तरह। कहा जाता है कि अगर इस आवाज को कोई सुन लेता है तो उसको कई तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। इवन कई रिपोर्ट्स में तो ये भी पाया गया है कि इस आवाज को सुनने से व्यक्ति की जान भी जा सकती है। इस पौधे को शुरू से ही जादू टोना से जोड़ा गया है। कहा जाता है कि इस पौधे पर काले जादू का हमेशा असर रहता है और अब तक ये मालूम नहीं चल सका है कि इस पौधे के अंदर से ये आवाज कैसे आती है। फैक्ट नंबर फाइव, अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो आपने ये बात जरूर नोटिस की होगी कि अखबार में नीचे की तरफ ये चार कलरफुल बिंदु बने होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिर इन चार गोल बिंदुओं का क्या काम होता है और इनको सभी अखबारों में क्यों प्रिंट किया जाता है? तो आपको बता दें कि इन बिंदुओं को अखबार में प्रिंट करने के कई कारण होते हैं। पहला तो ये है कि अखबार में नीचे की तरफ चार बिंदु होते हैं जिन्हें CMYK कहा जाता है, यानी स्यान, मजेंटा, येलो और ब्लैक।
इन चारों कलर्स से आप किसी भी कलर को बना सकते हैं, यानी आप इन कलर्स को एक दूसरे से मिक्स करके नए कोई भी कलर्स बना सकते हैं। वहीं इसका दूसरा कारण ये होता है कि इन बिंदुओं के जरिए हमको ये बताया जाता है कि अब अखबार पहले की तरह ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रहे, बल्कि अब इनके अंदर कलरफुल इमेजेस और पिक्चर्स भी ऐड की जाती हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी दिन ये बिंदु धुंधले और लाइन में ना नजर आए, तो इसका ये मतलब होता है कि आज अखबार की क्वालिटी बेकार है और इसमें कुछ मिस्टेक्स भी हुई हैं, और इन्हीं सब वजहों से अखबार में नीचे की तरफ ये बिंदु दिए जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आप एक ऐसे गांव के बारे में जानते हैं जहां बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष सभी लोग बिना कपड़ों के रहते हैं? सुनने में आपको अजीब लगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। एक ऐसा ही गांव ब्रिटेन के हर्टफोर्ड शायर में है, जिसका नाम स्पील प्लाज है। ये गांव ब्रिटेन के सबसे पुराने गाँव में से एक है, और इस गाँव की सबसे अजीब बात ये है कि यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष सभी लोग बिल्कुल नंगे रहते हैं। यहाँ पर ये परंपरा लगभग 85 साल से चलती आ रही है। अब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ के लोग अशिक्षित हैं, बल्कि इस गांव के लोग शिक्षित भी हैं, और इन लोगों के पास पैसों की भी कोई कमी नहीं है। यहाँ के लोग बहुत अमीर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के लोग ऐसा करते हैं। ऐसा करने से गांव में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि ऐसा पूरे गांव की सहमति से ही होता है। हालांकि जब इस गांव के लोग गांव से बाहर शहर में कोई काम से जाते हैं, तो ये लोग प्रॉपर ड्रेस पहनकर जाते हैं, और गांव में आने के बाद फिर से अपने पुराने ढंग में आ जाते हैं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, क्या किसी की नाक उसके चेहरे से हटके उसके हाथ पर उगवाई जा सकती है? ऐसा करना तो नामुमकिन है, लेकिन आज मेडिकल साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की हासिल कर ली है कि जो काम पहले नामुमकिन लगता था, अब वो मुमकिन है। एक ऐसा ही अनोखा और अजीबोगरीब कारनामा फ्रांस के डॉक्टर्स ने कर दिखाया है। दरअसल एक फ्रांसीसी महिला ने नेजल कैविटी नाम के खतरनाक कैंसर के चलते अपनी नाक को गंवा दिया था। ऐसे में वो महिला साल 2013 से ही बिना नाक के रह रही थी और अपने चेहरे को एक मास्क से ढकती थी, क्योंकि उस समय मेडिकल साइंस में इतनी ज्यादा तरक्की नहीं हुई थी कि उस महिला की नाक को फिर से उगाया जा सके। लेकिन हाल ही में डॉक्टर्स ने 3D प्रिंटिंग की मदद से महिला के हाथ में उसकी नाक का निर्माण किया और ट्रांसप्लांट की मदद से महिला के चेहरे पर नाक को जोड़ दिया। और हैरानी की बात यह है कि ये नाक उस महिला के चेहरे पर बिल्कुल सही सलामत लगा दी गई। अब तक ऐसा सोचना और करना तो नामुमकिन था, लेकिन ये चमत्कार होने के बाद मेडिकल साइंस ने एक और बड़ी सफलता हासिल कर ली है। फैक्ट नंबर 8, अगर आप इंटरनेट यूज करते हो तो आपने कभी ना कभी इस डॉज की मीम तो जरूर देखी होगी, क्योंकि इस कुत्ते की ये वाली मीम इंटरनेट पर हद से ज्यादा वायरल है, और इसलिए ये डॉग बहुत ही ज्यादा फेमस है। पर क्या आप जानते हैं कि इस मीम में जिस डॉग को इस्तेमाल किया जाता है, आखिर वो कौन है? तो आपको बता दें कि इस मीम में जिस कुत्ते को इस्तेमाल किया जाता है, उसका असल नेम काबुजो है, जो जापान की नाम की एक डॉग ब्रीड है। आज के समय काबुजो इतना ज्यादा फेमस है कि अब ये कोई एक आम डॉग नहीं रहा, बल्कि ये एक सेलिब्रिटी है। यहाँ तक कि इस कुत्ते का अपना एक ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, जिस पर 4,40,000 से भी ज्यादा फॉलोअर हैं। आज इस डॉग पर हर रोज बहुत सारी मीम्स बनती हैं। यहाँ तक कि अभी कुछ समय पहले एलन मस्क ने ट्विटर का लोगो चेंज करके इस डॉज की तस्वीर लगा दी थी। अब आप इस डॉज की पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन 24 मई 2024 को इस कुत्ते की मौत हो गई। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों, हमारे भारत में समोसा कितना ज्यादा पॉपुलर है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला समोसा भारत में कैसे आया, तो शायद इसका जवाब आप ना दे पाए। चलिए आज हम आपको बता दें कि हमारे भारत में समोसा कैसे आया। दरअसल 10वीं शताब्दी में मिडिल ईस्ट एशिया, ईरान में सबसे पहले समोसे को बनाया गया था, और उस समय ईरान में इस समोसे को सम्बोसा कहा जाता था। पर 14वीं शताब्दी में कुछ व्यापारी मिडिल ईस्ट एशिया से साउथ एशिया आए, तो वो अपने साथ खाने पीने की बहुत सारी चीजें साथ लेकर चले, और उन्हीं चीजों में उनके साथ समोसा भी चला आया था। जब समोसा भारत आया तो अमीर खुसरो को इसका जायका बहुत पसंद आया। फिर क्या था, अमीर खुसरो ने समोसे को शाही डिश में शामिल कर लिया। उसके बाद से ये समोसा पूरे इंडिया में बहुत फेमस हो गया, और आज दुनिया भर में अलग अलग तरीके के समोसे बनाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 10,
क्या आप जानते हैं कि जब कंघी का आविष्कार नहीं हुआ था तो उससे पहले लोग अपने बालों को किस चीज से साफ करते थे? हाल ही में इजराइल के वैज्ञानिकों को खुदाई करते समय हाथी के दांत से बनी एक कंघी मिली है। इस बात से स्पष्ट होता है कि पहले के समय के लोग अपने बालों को साफ करने के लिए जानवरों के दांत और हड्डियों का इस्तेमाल करके कंघी बनाते थे और फिर उन्हीं से अपने बालों को साफ करते थे। जब वैज्ञानिकों ने इस हाथी के दांत से बनी कंघी को और ध्यान से देखा और इसको साफ किया तो वैज्ञानिक भी देखकर हैरान रह गए, क्योंकि इसमें दुनिया के सबसे पहले अक्षर भी लिखे हुए थे। इस कंघी पर 7 अलग अलग तरीके के वाक्य लिखे हुए थे और जब इन वाक्यों को ट्रांसलेट किया गया तो इन वाक्यों का मतलब ये था कि हाथी के दांत से बनी हुई ये कंघी आपके बाल और दाढ़ी से जुए निकालती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद दोस्तों।